गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका लेक्चरर एके ग्रोवर चैनल में। आज हमारा जो टॉपिक है पोएम है द टाइगर एंड द डियर, रिटन बाय श्री अरबिंदो। ये प्लस टू की इंग्लिश लिटरेचर की राजस्थान बोर्ड की जो प्रूडेंस की बुक है उसमें ये पोएम सिलेबस में है। श्री अरबिंदो के बारे में पहले बता दूं कि वो एक पोएट, सिर्फ पोएट ही नहीं बल्कि एक फिलोसोफर भी हैं, एक योगी भी हैं, एक जो गुरु हैं, एक तरह से जो मेडिटेशन करवाने वाले समझ सकते हैं आप। इन्होंने भारत की आज़ादी में आंदोलन में भाग लिया था, आज़ादी के आंदोलन में, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लिखा भी था, जिनके लिए इनको जेल भी हुई थी। इनकी जो मेनली पोइट्री वो मिस्टिक पोइट्री है, जिसमें वो आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं। यहाँ जो पोएम आप देख रहे हैं द टाइगर एंड द डियर, इसमें इन्होंने बात की है लाइफ और डेथ के बारे में, एक्सपीरियंस और इनोसेंस के बारे में बात की है इन्होंने, गुड और इविल के बारे में बात की है कि गुड क्या है, इविल क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जैसे यहाँ देखिए, इसका टाइटल देखिए पोएम का, द टाइगर एंड द डियर। टाइगर जो है सिंबल है क्रूरता, क्रूरिटी का, जिसको आप डेथ का सिंबल भी कह सकते हैं। डियर जो है लाइफ का सिंबल है, इनोसेंस का सिंबल है, मासूमियत का सिंबल है, काइंडनेस का सिंबल है। तो इस पोएम में क्या कहते हैं श्री अरबिंदो कि जो टाइगर है वो किस प्रकार से एक मौत का, एक प्राण जो एक कहे डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, और जो डियर किस प्रकार से लाइफ का, ब्यूटी का प्रतीक है। हालांकि दोनों जंगल की ब्यूटी है देखा जाए तो, लेकिन एक सॉफ्टनेस का प्रतीक है, एक हार्डनेस का प्रतीक है, एक इनोसेंस है, एक एक्सपीरियंस है, इसको आप टाइगर कह सकते हैं। एक डेथ का प्रतीक है, डियर लाइफ का प्रतीक है। तो देखिए क्या कहते हैं कवि, ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग, ब्रिलियंट मिस जो एक तरह से दीप्यमान हो रहा है, चमकदार हो रहा है, बुद्धिमान भी होता है यहां चमकदार से मतलब, क्राउचिंग जो सिमट कर बैठा है, स्लाउचिंग जो जिसको स्लाउचिंग का मतलब होता है कि मूव करना या सिट करना एक लेजी पोस्चर में, एक आलस्य की मुद्रा में आदमी बैठे जा चले, उसको स्लाउचिंग में कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं पोएट, ब्रिलियंट क्राउचिंग स्लाउचिंग, ये कौन बैठा है कहता है, जो चमकदार दिख रहा है, सिमट कर बैठा है, स्लाउचिंग है यानी आलसी मुद्रा में बैठा है। वट करेक्ट, करेक्ट मीन्स रेंगना, धीरे धीरे चलना, मूव स्लोली थ्रू द ग्रीन हार्ट, थ्रू मीन्स मे से द ग्रीन हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो हरा दिल है जंगल का, यानी जंगल में से, कहने का मतलब कवि क्या कह रहे हैं कि जंगल में से कौन जा रहा है, ये कौन है, ये ब्रिलियंट क्राउचिंग सिमट कर बैठा है, स्लाउचिंग है, जो धीरे धीरे चल रहा है, रेंग रहा है जंगल में से, हरियाली में से। ग्लीमिंग आईज, ग्लीमिंग मीन्स चमकदार, जिसकी चमकदार आंखें हैं। एंड माइटी चेस्ट, माइटी मीन्स ताकतवर, उसकी जो छाती है यानी बलशाली है वो। एंड सॉफ्ट साउंडलेस पास ऑफ ग्रैंडर, सॉफ्ट मीन्स नरम, साउंडलेस का मतलब आवाज रहित, बिना आवाज के जो है, पाज मीन्स पंजे जो है, ऑफ ग्रैंडर मीन्स वैभव के, शान के। एंड मर्डर, और आगे कत्ल के, आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या देखो जिसके पंजे कैसे हैं, चमकदार आंखें हैं कहता है, और बलशाली जो ताकतवर छाती यानी बहुत बलशाली है, और जो नरम जो है आवाज रहित, उसके जो पंजे आ रहे हैं ग्रेंजर, वैभव के और मर्डर के। लगता है तो बड़ा शान का, क्योंकि जंगल की ब्यूटी तो है टाइगर भी, लेकिन मर्डर एक तरह से हत्यारा, वो कत्ल करने के लिए आया किसी का, क्या प्रश्नचिन्ह भी लगा। आगे देखो, कभी पूछ रहे कौन है ये, कौन चल रहा है ये, तो कहता है द विंड स्लीप्ड थ्रू द लीव्स। अब यहां बात की गई है कि टाइगर से कितना डर बैठ रहा है पूरे सराउंडिंग में, पूरे एटमोस्फियर में। इवन जो विंड है, जो हवा है, स्लिप्ड, स्लिप फिसलना, धीरे धीरे चलना, थ्रू मिस में से द लीव्स, खिसकना, मतलब जो हवा भी धीरे धीरे खिसक रही है, किस में से, पत्तियों में से। एज ही मानो कि अफ्रेड, अफ्रेड भी डरना, मानो डरी हुई हो, लेस्टली ताकि ना इट्स वॉइस, ताकि इसकी जो आवाज है, एंड द नॉइज, एक ही बात है, शोर जो है इसका, ऑफ इट्स स्टेप्स, इसके कदमों का, परटर्ब मिस डिस्टर्ब करना, ट्रबल देना, कष्ट देना। द पिटीलेस स्प्लेंडर, पिटीलेस का मतलब दया रहित, स्प्लेंडर मीन्स आभास, शान, किसको कहा गया पिटीलेस स्प्लेंडर, टाइगर को। तो यहां परसोनिफिकेशन है, देखिए विंड को क्या माना गया, धीरे धीरे खिसकना, मतलब एक तरह से व्यक्ति माना गया, तो ये परसोनिफिकेशन है, क्योंकि इसको एक एज ए ह्यूमन बींग ट्रीट किया गया है। तो क्या कहता है कि जो हवा है, किस प्रकार से कहता, क्या हो रही है, धीरे धीरे खिसक रही है हवा भी पत्तियों में से, मानो की हवा भी डर रही हो, ताकि इसकी जो आवाज है, इसका जो शोर है हवा का, वो कहीं डिस्टर्ब ना कर दे। पिटीलेस स्प्लेंडर का मतलब दया रहित आभा, यानी टाइगर को, टाइगर डिस्टर्ब ना हो जाए कहीं।
हार्डली डेयरिंग टू ब्रीद, हार्डली मीन मुश्किल से ही, डेयरिंग मीन सांस करना, ब्रीद मीन सांस लेना, यानी हवा की हिम्मत नहीं पड़ रही सांस लेने की, बड़ी मुश्किल सांस ले रही हवा, क्यों? टाइगर के डर से। बट द ग्रेट बीस्ट क्राउज, मतलब जो महान जानवर था कौन? टाइगर। क्राउज मीन सिमट गया वो, एंड क्रैप्ट मीन धीरे धीरे चलना, रेंगना धीरे धीरे, एंड क्रैप्ट धीरे धीरे चलता गया, एंड क्राउज मीन सिमटता गया। लास्ट टाइम, अंतिम समय, नोजलेस का मतलब शोर रहित, फैटल मीन प्राण घातक। आप देखिए यहां पर क्राउज रिपीटेशन हो रहा है, क्रैप्ट रिपीटेशन हो रहा है, एलिट्रेशन भी कह सकते हैं आप, एलिट्रेशन भी है यहां पर, सी सी देख रहे हो सारे, एलिट्रेशन समझते हो, जब कंसोनेंट साउंड का जो है रिपीटेशन होती है। तो कहता है हार्डली डेयरिंग, बड़ी मुश्किल से सांस कर रही थी हवा सांस लेने में, परंतु जो ग्रेट बीस्ट कौन था? टाइगर जो था, क्राउज में सिमट गया वो, क्रैप्ट चला धीरे धीरे चला, एंड क्राउज सिमट गया फिर ए लास्ट टाइम, अंतिम बार, नोजलेस भी बिना शोर किए हुए, नोजलेस फैटल प्राण घातक मुद्रा में, एक तरह से किसी को मारना हो जैसे, टिल सडनली डेथ लीव्ड ऑन द ब्यूटिफुल वाइल्ड डियर एज इट ड्रैंक। क्या मतलब हुआ? कहता है टिल, जब तक कि ने सडनली मीन्स अचानक ही, डेथ किसको कहा गया? टाइगर को कहा गया। लीड मीन्स उछलकर यानी कूदना हो, टाइगर जो उछला कूदा किसके ऊपर? ऑन द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, सुंदर जंगली हिरण के ऊपर, एज इट ड्रैंक, जैसा कि, क्योंकि ये पानी पी रहा था टाइगर, सॉरी डियर पानी पी रहा था, कैसे? अनसस्पेक्टिंग का मतलब अनअवेयर, उसको पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, कोई संदेह नहीं था, शक नहीं था, कुछ मालूम नहीं था भी कौन आ रहा है उसके पीछे। फ्रॉम द ग्रेट पूल, उस महान तालाब से यानी बड़े तालाब से वो पानी पी रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल के कूलनेस में, ठंडेपन में, एंड शेडो और छाया में पानी पी रहा था वो टाइगर, सॉरी डियर, उसको कोई पता नहीं था, उसको अनअवेयर था इस बात से वो कि कोई मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन कौन पीछे था उसके? हमला कौन कर रहा था उसके ऊपर करने वाला था? टाइगर। तो कहता है अनसस्पेक्टिंग फ्रॉम द ग्रेट पूल, यानी जो टाइगर था वो पानी पी रहा था, अनसस्पेक्टिंग मीन्स अनअवेयर होना, उसको कुछ भी पता नहीं था, अज्ञात था उस बात से। फ्रॉम द ग्रेट पूल, वो तालाब से पानी पी रहा था, इन द फॉरेस्ट कूलनेस एंड शेडो, यानी जंगल की ठंडेपन में और छाया में आराम से पानी पी रहा था वो, एंड इट फेल एंड टॉर्न। क्या मतलब हुआ? कहता है जो टाइगर था वो गिरा उसके ऊपर, एंड टॉर्न मीन्स चीरना फाड़ना, उसको चीर फाड़ दिया डियर को, उसने हिरन को, डाइड। क्या लिखे थे? एंड इट फेल, ये गिरा, मतलब कौन? डियर गिरा, टाइगर उसके उसके ऊपर झपटा मारा और डियर गिरा, एंड टॉर्न मीन उसको फाड़ दिया गया डियर को, डाइड, मर गया वो टाइगर जो डियर था। रिमेम्बरिंग मीन्स याद करते हुए, इट्स मेट, किसको याद करते हुए? अपने साथी को, लेफ्ट सोल, लेफ्ट मीन छोड़ना, सोल मीन सके, इसको अकेला छोड़कर वो आया था, इन द डीप वुडलैंड, कहां पर? गहरे जंगल में। अब ध्यान देना मेरी बात, यहां क्या कह रहा है कि जो टाइगर था उसने झपटा मारा उसके ऊपर, डियर के ऊपर, जो डियर पानी पी रहा था बिना शक के, बिना संदेह के, उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, और उसके ऊपर क्या किया? गिरा वो, उसको चीरा फाड़ा गया उसको, और वो मर गया डियर जो है, याद करते हुए अपने साथी को जो अकेला छोड़कर आया था वो गहरे जंगल में। डिस्ट्रॉयड द माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी इन नेचर। क्या कह रहा है कवि यहां? डेस्ट्रॉय, नष्ट कर दिया, किसने नष्ट कर दिया भाई? किसको मारा था? टाइगर ने मार दिया डियर को। द माइल्ड मीन्स सॉफ्ट, नरम जो है, हार्मलेस मीन्स हानि रहित, ब्यूटी सुंदरता को, कौन था हार्मलेस ब्यूटी? कौन हुआ? डियर। बाय द स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी, स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी कौन हुआ? टाइगर। क्या जो स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, निर्दयी सुंदरता थी इन नेचर में, प्रकृति में, उसके द्वारा मार दिया गया हार्मलेस ब्यूटी को, यानी टाइगर के द्वारा किसको मार दिया गया? हिरन को, डियर को मार दिया गया। कहता है, अब यहां तक ये बातें कर रहा है सारा, कि क्या स्टोरी चली सारी, कि किस प्रकार से टाइगर बैठा था, सिमट कर बैठा था, धीरे चल रहा था, और हवा भी डर रही थी सांस चलने से, सांस लेने से, और जो इधर से जो डियर था वो आराम से पानी पी रहा था, लेकिन धीरे धीरे कदमों से आया कौन? टाइगर, जो कहता क्रूअल ब्यूटी था, उसे झपटा मारा, डियर को चीर फाड़ दिया गया, और वो वहां मर गया अपने साथी को याद करते हुए, जो जंगल इसको अकेला छोड़कर आया था वो। इस प्रकार से कहता है कि जो माइल्ड हार्मलेस ब्यूटी, उसका नाश हो गया, उसको मारा गया, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग क्रूअल ब्यूटी के द्वारा, यानी कतल हुआ एक तरह से डियर का, हिरन का, किसके द्वारा? टाइगर के द्वारा। कहता है बट ए डे मे येट कम,
अब ध्यान देना, यहां एक तरह से डिडेक्टिक है ये पूरी पोएम, शिक्षाप्रद है, एक लेसन दे रही है। तो इन लाइनों में लेसन है, शिक्षा है पोएम की। बट ए डे में येट कम, तो कहते एक दिन ऐसा आएगा व्हेन द टाइगर क्राउचिस एंड लीव्स, जो टाइगर है क्राउचिस सिमटना, क्राउचिस सिमटना होता है, लीव्स मींस उछल कूद करना, नो मोर इन द डेंजरस हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। एक दिन ऐसा आएगा कि जो टाइगर है वो ना तो सिमटे सिमट कर बैठेगा ना उछल कूद करेगा, कहां पर, जो जंगल के खतरनाक हृदय में। कहने का मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि जंगलों में टाइगर नहीं मिलेगा, टाइगर खत्म हो जाएगा। एज द मैमथ शेक्स नो मोर द प्लेन्स ऑफ एशिया, एग्जाम्पल देगा, तुलना कर रहा है यहां पर, जैसे कि कहता है जो मैमथ है, मैमथ एक बहुत विशाल का हाथी होता है, बहुत ह्यूज एलिफेंट है ये, शेक्स मीन्स हिलाना, नो मोर द प्लेन्स मीन्स मैदान ऑफ एशिया, क्या जैसे कि जो मैमथ है जो एक बहुत बड़ा हाथी है वो आजकल एशिया के मैदानों में नहीं पाया जाता, वो नहीं हिलाता उसको, यानी उसका आजकल उसका वासितव नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं है उन मैदानों में, वो चला गया। कहने का मतलब जिस तरह से जो मैमथ दुनिया से चला गया वैसे टाइगर भी चला जाएगा। स्टिल देन, क्योंकि मैमथ भी किसका प्रतीक माना गया एक तरह से, क्रूअल ब्यूटी का ही, तो कहता वो चला गया तो टाइगर भी चला जाएगा। स्टिल देन, कहता फिर भी क्या होगा, देन स्टिल देन में तब, स्टिल में फिर भी, देन तभी भी, शेल द, स्टिल में फिर भी, देन तब, शेल द ब्यूटीफुल वाइल्ड डियर, जो सुंदर जंगली हिरन है, ड्रिंक फ्रॉम द कूलनेस ऑफ ग्रेट पूल्स इन द लीव्स। वो कहता क्या करेगा भाई, पानी पिएगा जो हिरन है, कहां से, जो ठंडकपन है, कौन ठंडकपन, ऑफ ग्रेट पूल्स, महान तालाबों की, इन द लीव्स, पत्तियों में, लीव शेडो, पत्तियों की छाया में। कहने का मतलब क्या हुआ कि हिरन जो है फिर भी जंगल की जो पत्तियां हैं, जो छाया है उनकी छाया में, जो तालाब है वहां वो पानी पिएगा ठंडेपन में आराम से। लेकिन देखो नीचे वाली दो लाइनें बिल्कुल पैराडॉक्स है, देखो द माइटी पेरिश, सार भी है एसेंस कह सकते हो पोएम का, इन दो लाइनों के अंदर, द माइटी पेरिश इन देयर माइट, जो माइटी का मतलब ताकतवर जो है, पेरिश नष्ट होना, माइट में ताकत, जो ताकतवर है अपनी ताकत में नष्ट हो जाएगा। ताकतवर कौन हुआ यहां पर, किसका, डियर जो है, सॉरी जो टाइगर है, उसके पास माइट है, ताकत है, टाइगर अपनी ताकत में नष्ट हो जाएगा। यहां देखिए यहां पैराडॉक्स कैसे, विरोधाभास कैसे हुआ, किसको कहते हैं पैराडॉक्स, जब किसी बातों में विरोधाभास होता है, दो बातों में, दो पॉइंट में, ताकत उसकी उसको बचाती है लेकिन यह ताकत मार रही है। कहता है ताकतवर व्यक्ति पेरिश नष्ट हो जाएगा अपनी ताकत में ही, यानी उसका नाश उसकी ताकत के कारण होगा, द ताकत उसको नाश करेगी उसका। द स्लेन, स्लेन का मतलब सर्वाइव द स्लेयर, स्लेन का मतलब किल्ड, जिसका कत्ल हो जाता है उसको स्लेन बोलते हैं, और स्लेयर होता है कत्ल करने वाला, मर्डरर जो है वो, जो स्लेयर होता है मारने वाला, सर्वाइव बचना। कहता है जो मारा जाएगा ना वो बच जाएगा, और कौन जाएगा, स्लेयर, समझ आ रही बात। अब कैसे देखो पैराडॉक्स है, देखो जो मारा गया वो कहता है जिंदा रहेगा, द स्लेयर, और जो स्लेयर जिसे मारा है वो मर जाएगा, क्या मतलब हुआ, ये पैराडॉक्स हो गया अपने आप में। स्लेयर तो हो गया मारने वाला, वो तो उसने मारा है, और स्लेयर जिसको कत्ल हो चुका है, लेकिन कहता है वो जिंदा सर्वाइव करेगा अपने आप को जिसका कत्ल हुआ है, वो स्लेयर जो है उसके द्वारा, यानी वो मारा जाएगा, वो तो मारा गया। तो यहां दोनों लाइनों में पैराडॉक्स है कि माइटी माइट से नष्ट हुआ, और जो स्लेयर तो मर गया, और जो स्लेयर है वो जिंदा रह गया, ये इस दोनों लाइनों में पैराडॉक्स है। तो एक सार भी है पोएम का, पोएट यह कहना चाहता है कि एक तरह से कि जो व्यक्ति, जो टाइगर है वो प्रतीक है एक क्रूअल ब्यूटी का, एक निर्दयता का प्रतीक है, एक इविल का, बुराई का प्रतीक है, कि दुनिया में जो अच्छाई है वो रहेगी और बुराई एक दिन जरूर जाएगी, बुराई का नाश होना निश्चित है। इट इज श्योर दैट द इविल विल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम दिस वर्ल्ड वन डे, बट द गुडनेस विल लीव हियर, अच्छाई यहां पर रहेगी। तो अच्छाई का प्रतीक कौन हुआ यहां पर, डियर। उम्मीद आपको पोएम समझ आई होगी, कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक्स शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट।